तो स्टूडेंट्स, जनवरी मंथ स्टार्ट हो गया है और हमारी अब पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो बड़ा सिंपल सी आपको बात कहूंगा। आपके जितना भी सिलेबस है उसका जो आपको परसेंटेज अच्छे तरीके से आता है या बहुत थोड़ी बहुत ही कमी है, उसको जनवरी मंथ में कवर करें प्रॉपर तरीके से। लेट मी से आपको 70% सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से आता है, उसे ही आप प्रॉपर रिवीजन करें, उसके क्वेश्चंस करें, सैंपल पेपर से करें, प्रीवियस ईयर पेपर से करें, ताकि उन टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरीके से आए, वो आपका फुल्ली अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाए। उसके बाद जो सिलेबस आपका बच गया, लेट मी से 30%, तो वो आप फरवरी में कवर करें, जितना भी आपके पास टाइम है। उस 30% को कवर करने के लिए अपनी जी जान लगा दें, अपनी पूरी मेहनत लगा दें। हो सकता है 30% ही पूरा कवर हो जाए, 30% नहीं हुआ तो क्या हुआ, 25, 20, 15 कुछ तो कवर होगा, लेकिन आपकी मेहनत जरूर होनी चाहिए 100%। बात वहीं पे आके रुकेगी कि मैं बातें जो मर्जी कर लूं, लेकिन आप लोगों की खुद की मेहनत और खुद को ही किया हुआ मोटिवेशन ही काम आएगा, तीसरी कोई बात ही नहीं है। मैं जितनी मर्जी बातें कह लूं, एंड में मेहनत तो आपको आपके हिस्से की खुद ही करनी पड़ेगी, खुद को मोटिवेट, जिसको अपन सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, वो खुद को करना ही पड़ेगा। अरे बाकी बच्चे कर रहे हैं तो आप भी तो कर सकते हो, सेम ही तो चीज है, सेम ब्रेन है, सेम हिंड ब्रेन मिड ब्रेन सब कुछ आपके पास तो है, कौन सा कुछ कमी है? सिर्फ कमी किस में है, हमारे मेहनत में, डेडिकेशन में, और वो आपको खुद करनी पड़ेगी। जब आप इस स्ट्रेटजी के साथ चलोगे तो डेफिनेटली फाइनल एग्जाम में आप लोग एक बहुत बढ़िया अटेम्प्टेशन करोगे। मार्क्स से कुछ हो ना हो ये मैं मैटर करता ही नहीं, ये मैं कहता ही नहीं कि मार्क्स से कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारी जिंदगी की एक मेमोरी जरूर जुड़ेगी कि हमने इतनी मेहनत की थी और हम एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए थे। सेल्फ हैप्पीनेस के लिए जरूरी है, खुद का मेहनत से दिया गया रिजल्ट सबसे टॉप क्लास रिजल्ट होता है। 2 नंबर कम भी आ जाएंगे, लेकिन जो खुद की मेहनत की खुशी है वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो इसी के लिए जिए, अपनी की यादगार बनाने के लिए जिए, क्योंकि जिंदगी मेमोरी से चलती है, पैसे से वो आते जाते रहते हैं। थैंक यू।